उसके पोते कहाँ है आप? नम्रता सिमेंट के परिवार में घमासान, बेटों ने पिता को अदालत में घसीटा, ये कलयुग की महाभारत दाव पर लगी 60 साल पुरानी विरासत। रहने दो, और हाँ, न्यूज़पेपर पढ़कर मुझे रियलाइज करने की कोशिश मत करो, इतना दिमाग है मेरे पास। पहले चुभे हुए कांच को निकालकर हल्दी लगा लीजिए। हाँ, दादों के दिल में कांटे चुभ रहे हैं और तुम्हें की। आप बैठिए पहले, बैठिए। ये बात बोला ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ मत बोलिए। समझ नहीं आता। चुप। मिठाई आपसे डरती नहीं है। कुछ चुपा तो दो के चुभन का एहसास हुआ आपको? आप खुद ही सोचिए, इस उम्र में दद्दू दादे कोर्ट कचहरी का मुंह देखेंगे। अगर मिठाई आपकी जगह होती ना तो क्या होता? क्या कोई किसी का दुश्मन नहीं है, पैसा सबका दुश्मन है। तो दद्दू का कमाया हुए, अगर पैसे को ही बीच में से हटा दे तो किसी को भी कुछ भी ना मिले, तो जिसके नाम पे है वो किसी को भी कुछ भी ना दे तो। लेकिन आपके पास तो टाइम ही नहीं है, आपको तो सिंगापुर जाना है ना। गोपाल, अब तक तुमने साथ दिया है, अब इस झगड़े को खत्म करने का आखिरी पड़ाव है। दद्दू के पोते को सही दिशा दिखाना और सही फैसला सुनाने की हिम्मत देना। गोपाल प्लीज हेल्प। बैठे फोन करके पता करिए ना। चुप रहो, हर वक्त चुप रहो, चुप रहो। सिद्धार्थ कहां थे तुम? बंटवारे के पेपर्स डिस्कस करने। देखो साफ साफ कहते, दो तिहाई मेरा। नहीं, नहीं, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा। हाँ हाँ, एक काम करो सिद्धार्थ, एक काम करो, हिस्सा कर ही डालो। हिस्सा चाहिए ना? लेकिन पहले ये तय हो जाए कि किसे कितना मिलना है। सिद्धार्थ, हमें तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम नाइंसाफी नहीं करोगे। तेरी चाची सही कह रही है। हाँ। हिस्सा चाहिए।
को। ये रहे इसे, जिसे जितना चाहिए उठा लीजिए। सिद्धार्थ, ये क्या मजाक है? मजाक? मजाक तो आप सबने बनाया रिश्ते और परिवार का। दादू के बड़े बेटे हैं आप, चाची जी, चाचा जी, फूफा जी और बुआ जी। मैं बचपन से आप सबसे सुनता आ रहा हूं कि हम सब परिवार हैं, सुख दुख में एक दूसरे के साथ है। ये सुख दुख का साथ? अगर ये पैसा ही प्रॉब्लम है तो मैंने डिसाइड किया है, सब कुछ मेरे नाम है और मेरे नाम ही रहेगा। ना कोई बंटवारा होगा, ना किसी का कोई हिस्सा। होश भी तो हो तुम? हाँ, आज ही तो होश में आया हूं। सिद्धार्थ, तुमने इस बिजनेस को अपनी जिंदगी का एक मिनट भी नहीं दिया और एक सेकंड में सब तुम्हारा हो गया। एक दिन में सब तुम्हारा है क्या? सर, हरिमोहन जी का पोता हूं, बिजनेस मेरे खून में भी तो होगा ना। लेकिन हमारा हक तुम कैसे छीन सकते हो सिद्धार्थ? मैंने कुछ छीना है आपसे? चाचू, शायद आपने सही से सुना नहीं, ये सब मेरे नाम पे है। छीनना तो आप सब लोग चाह रहे हैं, अब से इस घर और बिजनेस पर मेरी नजर रहेगी, जब जो होगा मेरे फैसले से होगा। तो क्या सिंगापुर में बैठ के रिमोट से चलाओगे बिजनेस? डोंट यू वरी सर, जब मेरे जाने का दिन डिसाइड होगा मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं रिमोट से बिजनेस चला सकता हूँ, इतना तो आप मानेंगे ना? टेक्नोलॉजी की ठीक ठाक नॉलेज है मुझे। सर, दुकान की चाबी के लिए क्या अलग से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा? सर, मैंने कहा चाबी? कुछ भी हो जाए सिद्धार्थ, ये लड़की वो दुकान नहीं चलाएगी। वो भी अब मैं डिसाइड करूंगा। खेत जोते बैल और दाना खाए चिड़िया। हाँ। लाली, सिद्धार्थ को पुनर्जन्म है वो काश। आज तो ये बिल्कुल नया पोता लग रहा है। सुदर्शन चक्र चला दियो जाना तो आज। चमत्कार हुआ कैसे? आपकी वजह से। आपने कहा था ना कि विरोध करो तो मानेंगे नहीं और हाँ कहो तो करेंगे नहीं। बस सीधे तरीके से जब बात नहीं बनी तो उल्टा कर दिया। मंची तो है आज तो, करेजा में ठंडक पड़ गई। लगे हैं कि करेला बाबू पे कड़वा करेला जूस काम कर गयो। जय गोपाल। जिंदगी भर आप रोती रही, दादी और दादों के सिवा किसी ने आपकी वैल्यू नहीं की।
दादो के बड़े बेटे ने आपको घुटन के सिवा कुछ नहीं दिया। आखिर में आप ये दुनिया छोड़कर चली गई, पर अब इस घर में किसी को कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। वही होगा जो आप चाहेंगे। थक चुका हूं मैं अपनी शादी से। नर्क बना दिया तुमने मेरी जिंदगी। नर्क तुम ऐसे किसी को भी कहीं से उठा लाओगे और कहोगे कि मैं सुना तुमने, मुझसे नहीं होगा। बच्चा तो मेरा बहादुर बेटा है ना, मेरा बेटा। कन्यादान की विधि करेंगे। आ रहे हैं पंडित जी, हम करेंगे कन्यादान। भैया मेरी वाली साइकिल पे जलेबी बेचने वाली मेरी बहू बनेगी। मैं तो ये चाहता था कि ये शादी के मंडप में इंतजार करेगी कब कब इसके फेरे हो और शुभम उसी समय से छोड़ के जाए। आज जो कुछ भी है सब मैंने खड़ा किया है, इसलिए दो तिहाई हिस्सा आप मेरे नाम कीजिए। दद्दू के पोते, दद्दू के पोते, तुम्हारे लिए नो एंट्री का अलग से बोर्ड लगवाऊं? तुम्हें पता है इस वक्त मैं किसी से बात नहीं करना चाहता और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे हाथ पे प्लास्टर चढ़ा है, पैरों पे भी चढ़वाना चाहती हो क्या? आउट। दद्दू के पोते, बात करनी है। अरे सुनिए तो, बहुत जरूरी बात करनी है। दिमाग नाम की चीज नहीं है तुम्हारे पास। पर हाँ, बेअकल लोगों से बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। बेअकल होंगे आप, मिठाई के पास तो बहुत अकल है। लिसन, तुम्हें भी दुकान नहीं मिलेगी, बेचो जलेबी अपनी मुन्नी पर। पर हाँ, अब से मेरे सामने मत आना, जब से आई हो इस घर में प्रॉब्लम की कमी नहीं है। बैड लक हो तुम, तुम्हें पता है तुम पनौती हो मेरे लिए, बस नाम से मिठाई हो, लेकिन पूरे घर में कड़वाहट फैला रखी है तुमने। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप है दद्दू के पोते, कैलिस में ज्यादा कड़वे हो गए जूस पी पी के, और पनौती मिठाई नहीं पनौती आप है। पनौती के साथ साथ मिठाई के लिए आप सूर्योदय पे सूर्य ग्रहण जैसे बैड लक है। अगर सुबह सुबह आपकी शक्ल दिख जाए ना तो दिन में भी रात हो जाती है। मिठाई तो कह के गई कि सिद्धार्थ से मिलके आऊं, पर न रात को आई न आज सुबह आई। पर ऐसा तो कोई भय ना है चंद्रकांता जी। पता नहीं क्या बात हुई होगी, सिद्धार्थ भी तो मिलने नहीं आया।
अरे इतना बड़ा फैसला लेने के बाद कम से कम एक बार मिलने तो आना चाहिए। घर में तो मातम सब पथरा भरा है, पता नहीं और क्या क्या दिखाएंगे गोपाल जी। मिठाई इतनी सारी जलेबी और एक के बाद एक मुंह में ठूसे जा रही है। पिताजी कहते थे जब अंदर से गुस्सा उभर रहा हो ना तो खाद्य कढ़ाई में जलेबी डालते जाओ। अरे इतना गुस्सा के बनाते बनाते ट्रे में ही खाई भी लगी। हाँ गोपाल को भोग लगा दिया, निकली थी जलेबी अलग से रख दी, कुछ भी झूठा नहीं किया, गुस्से में मुँह न खुले इसलिए इतना गुस्सा है। लेकिन कौन पे? मिठाई बंद कर खाना, अरे पेट फट जाएगा गुस्से से, पहले उस गुस्से को निकाल तू। अरे छोड़। अरे ऐसा का कह दिया सिद्धार्थ ने? दद्दू आपके पोते ने भरा सी मिठाई के मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि आज से दुकान नहीं मिलेगी, मुन्नी पर ही आलू जलेबी बेचो। मिठाई को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम मिठाई की बात तो सुननी चाहिए थी ना। अरे इतनी सारी जलेबी तू साइकिल में बेचेगी? देखिए हाँ मिठाई ने तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा निकाल दिया, पर कोई बात नहीं, जब गोपाल ने इतनी सारी आलू जलेबी बनवा ली मिठाई से तो वो बिकवा भी देंगे। दुकान ले ली कोई बात नहीं, आज तक मिठाई बिना दुकान के तो आलू जलेबी बेचते आई है ना, लेकिन कोई मिठाई को बनौती कहे ये अच्छी बात है क्या? मिठाई ने भी कह दिया कि भला उनसे बड़ी बनौती है कौन। मिठाई को तो सबसे बुरा इस बात का लगा कि दद्दू के पोते समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनको कैसे क्या करना चाहिए। दद्दू आपके पोते दिमाग से सोचते थे वही ठीक था, दिल से सोचकर ना सब चौपट कर दिया, बंटवारा रोकने के लिए धमाका किया तो वो बेचने पे उतर आए और अब मुंह पे पट्टी बांध ली, बात करने के लिए तैयार ही नहीं है वो। लेकिन तुझे कुछ समझ में आया कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है? ये समझना तो बड़ी मुश्किल की बात है दादी, अपने आसपास ऐसा घेरा बना के रखा हुआ उन्होंने कि कोई उन तक पहुंच ही नहीं सकता। मेरे फैसले को भी मानना है रखो सिद्धार्थ ने, अब मेरी पहली दुकान पे भी हक नहीं रहे हो है मेरो। अब मुझे तो वहां ने कसम दबा दी है कि मैं कछु ना बोलू जा बारे में। दद्दू अगर आपके पोते जीत कर सकते हैं ना तो मिठाई भी कम नहीं है। मिठाई आपके दुकान को कुछ नहीं होने देगी, उनको क्या पता कि एक बिजनेस वाले के लिए अपने पहले दुकान का मोल क्या होता है। घर में जब पहला बच्चा जन्म ले ना मिठाई, वहां से जो खुशी मिले है कछु कछु वैसा ही लगे है जब अपने हक की पहली दुकान ले लो और फिर वह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हो। दद्दू मिठाई ऐसा मान लेते कि आपकी पहली दुकान आपके कड़वे पोते के पास गिरवी पड़ी है और मिठाई उनसे छुड़वा लेगी। अब बस ये सोचना है कि इतना बड़ा काम मिठाई करेगी कैसे। मिठाई एक बात तो बता, तेरे हाथ पे प्लास्टर लगा है, तू साइकिल चलाएगी कैसे? अरे दादी मिठाई तो जतिपुरा में दोनों हाथ ऐसे खुल के साइकिल चलाती थी, और अभी तो एक हाथ है ना ब्रेक लगाने के लिए, और घंटी के बदले गाती जाएगी ले लो जलेबी आलू के भाई आलू जलेबी ले लो मालपुआ मन भावन संग में रबड़े चक्के देखो बस। अरे सुबह कौन आया होगा? आप बुर्वा। बुर्वा, ये दद्दू दादी पांच उनके। अरे बस बस खुश रहो, बस बस खुश रहो। दद्दू दादी ये है पूर्वा, वो जो चौराहे पे आलू बेढ़े की रेडी लगती है ना वहाँ खाना बनाती थी, मालिक पैसे दिए बिना भाग गया, इसे रोते हुए देखा मिठाई ने तो इसे काम पे बुला लिया। गोपाल ने एक हाथ में प्लास्टर लगा दिया तो दो हाथ भेज दिए मिठाई को। मिठाई तो देख के वो उन दिनों की याद आ जाए, जितनी ज्यादा मुश्किलें आती उतनी ही मेरी जिद बढ़ती जाती। बेटा तू कामयाब होगी, गोपाल जी ने तो मिठाई से मिलवाया है, तेरा कल्याण जरूर होगा। और बेटा मेहनत से मत कतरी। दादू मेहनत से मैं डरती नहीं हूँ और बेईमानी कभी नहीं करती। अरे वाह। चल पूर्वा मुन्नी कब से तैयार है, आ जा।
मुझे भी मिठाइयाँ बनाना सिखा दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस मन लगा के काम करना। पिता ये ना पिताई की विरासत है, पिताई ने सिखाया था। डैड, कोई है जो सिर्फ आपसे ही मिलने आया? बैठो सर। तो आज यहाँ कैसे आना हुआ? एक बिजनेस प्रपोजल लेकर आया हूँ। बिजनेस हमारे साथ? कौन सा बिजनेस? हरिमोहन स्वीट्स।